please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लंच बॉक्स में बात एक बेटी के हाथ की बनाई उस डिश की, जिसे खाकर उसके डैड इमोशनल हो गए। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान बड़े पर्दे पर दस्तक देने की तैयारी कर रही हैं। इसकी शुरुआत हुई एक मैगजीन के लिए सुहाना के फोटोशूट से, जिसने कवर पेज पर सुहाना की तस्वीर छापी है। सुहाना खान, शाहरुख खान की बेटी का बिल्कुल नया अंदाज। सामने कैमरा और साथ में कोई नहीं, डायरेक्टर के इशारे पर मॉडलिंग। सुहाना ने पहली बार फोटो शूट के लिए कैमरा फेस किया, लेकिन उनके हाव भाव देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा। ये बात और है कि खुद सुहाना को हल्की सी हिचक हो रही थी। I don't think it's cool, but we're really shy. इस फोटो शूट में सुहाना का ग्लैमरस अंदाज देखकर नामी मॉडल्स को भी झटका लग सकता है। सुहाना जिस तरह से अलग अलग ड्रेस में अपनी अदाओं का जलवा बिखेर रही थी, वो कई बार उनकी मम्मी गौरी खान को भी टक्कर देती दिखाई दे रही थी। गौरी ने भी सुहाना के इस पहले फोटोशूट की तस्वीरें ट्वीट की है, लेकिन शाहरुख खान पर अपनी बेटी का जादू ऐसा चढ़ा कि उन्होंने ये मैगजीन हाथ में लेकर एक मैसेज भी दिया। वो एक बार फिर मेरी गोद में है, शुक्रिया वो। जब हमारे बच्चों की बात आती है तो हम उम्मीद करते हैं उन्हें अपना प्यार देने की। मैं बहुत सारा प्यार भेज रहा हूँ। हेलो सुहाना। सुहाना की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि सुहाना जल्द ही फिल्मों में दस्तक दे सकती हैं। सुहाना भी अपने फिगर को लेकर खासी मेहनत करती दिखाई देती हैं। जिम में घंटों पसीना बहाने की सुहाना की तस्वीरें पहले ही सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर चुकी हैं। और जिस तरह से कुछ दिन पहले सुहाना की बिकनी में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आई थी, उसके बाद से ये लगभग तय माना जा रहा था कि सुहाना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्लैमर इंडस्ट्री में जगह बनाने को तैयार हैं। लेकिन सुहाना की तस्वीरों के सामने आने के साथ ही सोशल मीडिया पर उनकी और श्रीदेवी की बेटी जानवी की तुलना शुरू हो गई। लड़ाई अभी एक्टिंग से ज्यादा दोनों के हॉट अंदाज की मानी जा रही है, जो जाहिर है आने वाले समय में और तेज होगी। समोसा और वड़ा पाव ऐसी चीजें हैं जिनको इनकार नहीं किया जा सकता, और जब ये मजेदार चीजें विदेश में मिल जाएं तो क्या बात। बुल्गारिया में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे अमिताभ बच्चन ने पूरी टीम को समोसा और वड़ा पाव की पार्टी दे दी। अमिताभ बच्चन से मिलना ही कई लोगों के लिए एक सपने के पूरा होने जैसा होता है। भारत हो या भारत से बाहर, अमिताभ जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। और जिनके साथ अमिताभ फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, वो तो इसे जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बुल्गारिया में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान, जब अचानक अमिताभ को मुंबई की याद आ गई। उधर अमिताभ का मन भी बड़ा पाव और समोसे खाने का हो गया। डायरेक्टर आयान मुखर्जी से लेकर रणवीर और आलिया भट्ट तक सभी मुंबई की बारिश और वड़ा पाव के चटखारों को मिस कर रहे थे। अमिताभ तो ठहरे अमिताभ, उन्हें पता था कि भारत से इतनी दूर शूटिंग में बिजी साथियों को घर के खाने की याद आ रही होगी, इसलिए उन्होंने बिना देर किए पूरी टीम को पार्टी देने का ऐलान कर दिया। और कुछ ही देर में बुल्गारिया में सोफिया के जंगलों में वड़ा पाव और समोसे बनना शुरू हो गए। शूटिंग पर मौजूद सभी लोगों के लिए समोसा और वड़ा पाव आ गए। खुद अमिताभ ने ट्वीट कर इस मस्ती भरी पार्टी की जानकारी दी और लिखा कि बुल्गारिया में सोफिया के जंगलों में ब्रह्मास्त्र की पूरी यूनिट के साथ वड़ा पाव और समोसा खाना एक उपलब्धि के जैसा है। ये पहला मौका नहीं है जब अमिताभ ने अपने साथियों के साथ आम लोगों की तरह बैठकर खाना खाया हो, लेकिन उनके साथ खाना खाने वालों के लिए ये कभी ना भूलने वाला मौका होता है। अमिताभ जल्द ही बुल्गारिया में फिल्म की शूटिंग पूरी कर भारत लौट आएंगे, लेकिन फिल्म की पूरी टीम अमिताभ की इस समोसा और वड़ा पाव पार्टी को नहीं भूल पाएगी। और लंच बॉक्स में अब बात एक ऐसी डिश की, जिसे आप हंसते हंसते खाएंगे और खाकर खूब फ्रेश महसूस करेंगे, क्योंकि सेहत के लिए हंसना बेहद जरूरी है। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। बैठो बेटा, बैठो, बहुत कुछ समझना। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। लगातार वायरल हो रहे मीम्स में प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मुझसे शादी करोगी के एक, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की डेटिंग पर भी एक मीम शेयर किया गया, जिसमें निक की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए डेटिंग के बाद सगाई की खबर का मजाक उड़ाया गया।
दो महीने डेट करने के बाद निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा ने सगाई की। एक और मीम ट्वीट किया गया जिसमें एक लड़का अपना बैग लिए हुए अचानक गिर जाता है और इसके साथ ही लिखा गया है, निक जोनस की सगाई हो गई। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज मेरी प्राइवेसी का ख्याल रखें, ये मेरे दुख का समय है। एक मीम में तो निक जोनस के उस रिएक्शन को दिखाया गया है जिसमें वो इस बात को लेकर घबरा रहे हैं कि उनका परिवार अचानक भीड़ की तरह से प्रियंका के गानों पर डांस करने लगेगा, जबकि एक ट्वीट में तो प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के सरनेम को लेकर भी मजाक बनाया गया। इसमें लिखा गया कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की सगाई हो गई। शुक्रिया भगवान लोग दोनों के सरनेम को नहीं मिला रहे, वरना लोग दोनों को झोपड़ा बुलाते। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने भले ही अपनी सगाई के बारे में अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे मीम्स लोगों को हंसाने के लिए काफी हैं। जिनको हैवी लंच नहीं पसंद उनके लिए लाइट सैलेड भी है हमारे पास। खबर है कि प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड की फिल्म काउबॉय निंजा वाइकिंग साइन की है और एक्शन और ड्रामा से भरी इस फिल्म में प्रियंका क्रिस प्रैट की लेडी लव के रूप में दिखेंगी। चर्चा है कि हॉलीवुड की इसी फिल्म के लिए प्रियंका ने सलमान की फिल्म छोड़ी। हालांकि प्रियंका की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। जैकलीन फर्नांडिस का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने जिम इंस्ट्रक्टर के स्टेप से स्टेप मिलाती नजर आ रही हैं। अनुष्का शर्मा का पति विराट कोहली के साथ शॉपिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों बर्मिंघम के एक मॉल के स्टोर्स पर शॉपिंग करते नजर आए। रणवीर सिंह ने दूर दूर तक चर्चा में रहने वाले अपने फैशन की सीक्रेट रेसिपी बताई है। रणवीर सिंह ने अपने फैशन सेंस के राज पर से पर्दा उठा दिया है। एक इंटरव्यू में रणवीर ने कहा कि वो अपनी ड्रेस चुनते समय ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि बचपन से ही अपने मन मुताबिक कपड़े पहनते हैं। If you're feeling it, just do it. Don't think कि लोग क्या कहेंगे. Just do whatever you feel. जो दिल में आए करो. रणवीर के फैशन ने इंडस्ट्री में कैसा हंगामा मचा रखा है, इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट कर रणवीर को चुनौती दे दी। अमिताभ के ट्वीट पर रणवीर ने भी सिर झुकाकर शुक्रिया कहा और अपनी हार मान ली। इससे पहले करण जौहर ने भी रणवीर को अपना आइडल मानते हुए कहा था कि रणवीर की वजह से उन्हें भी अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की हिम्मत मिलती है। मुझे ऐसे धमाकेदार कपड़े पहनना बहुत मुझे बहुत मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि उन्होंने फैशन बार इतना हाई रेस कर लिया है। वैसे एक बार जब रणवीर से पूछा गया कि उन्हें किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है तो उन्होंने ऐसी पैंट का जिक्र कर दिया जिसने हिंदुस्तानी लड़कों के फैशन की परिभाषा ही बदल दी। I really love drop cross pants क्योंकि मुझे वो इतनी जगह चाहिए होती है। वैसे रणवीर के कपड़ों के अजीब और गरीब अंदाज को लेकर कई बार उनकी करीबी दोस्त दीपिका पादुकोण से भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन दीपिका रणवीर पर लगाम लगाने के पक्ष में नहीं है। That's his personality and why would I discourage that? शायद इसीलिए जब एक बार रणवीर से फिल्म इंडस्ट्री में फैशन आइकॉन के बारे में पूछा गया तो उनको अपने जैसा दूसरा कोई नहीं मिला। रणवीर सिंह फैशन की तो काफी बात हो गई, अब बारी है मुंह मीठा करने की। तैमूर अली खान की मम्मी करीना कपूर जल्द ही गुड न्यूज देने वाली हैं। पूरी खबर जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी होगी। वीरे दी वेडिंग में ग्लैमरस रोल से कमबैक कर चुकी करीना कपूर अपनी अगली फिल्म में मां के किरदार में दिखेंगी। खबर है कि करीना कपूर ने अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म साइन की है और फिल्म का नाम है गुड न्यूज। इस फिल्म में करीना और अक्षय एक ऐसे कपल के रोल में नजर आएंगे जो सरोगेसी के जरिए बच्चा चाहता है। बताया जा रहा है कि फिल्म सच्ची घटना पर आधारित होगी। करण जौहर की ये फिल्म रोमांटिक कॉमेडी होगी, लेकिन फिल्म में एक संदेश भी छुपा होगा। इससे पहले करीना कपूर अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौर, गब्बर इज बैक और ब्रदर्स में कैमियो रोल में यानी कि कुछ देर के लिए नजर आईं। अक्षय कुमार की फिल्म में बतौर हीरोइन करीना कपूर 9 साल बाद फिल्म कर रही हैं। दोनों ने आखिरी बार फिल्म कमबख्त इश्क में काम किया था। बताया जा रहा है कि अक्षय को फिल्म की कहानी इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने स्क्रिप्ट सुनते ही हाँ कर दी थी। वैसे भी अक्षय पहले कुछ समय से असल जिंदगी से प्रेरित फिल्मों में काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो टॉयलेट एक प्रेम कथा या फिर पैडमैन हो।
वैसे वीरे दी वेडिंग के बाद करीना कुछ समय अपने बेटे तैमूर के साथ बिताना चाहती हैं। वहीं अक्षय भी इन दिनों साजिद खान की हाउसफुल 4 और अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म केसरी में बिजी हैं। इसलिए करण जौहर की ये फिल्म नवंबर में शुरू होगी। लंच बॉक्स तो रोज मिलेगा, लेकिन अब आप दावत के खाने के लिए भी तैयार हो जाइए। मुंबई के फिल्मी गलियारों में चर्चा गरम है कि दीपिका और रणवीर सिंह 10 नवंबर को शादी के बंधन में बंध सकते हैं। अटकलें तो ये भी हैं कि दोनों ने इटली के टूरिस्ट प्लेस लेक कोमो में शादी करने का फैसला लिया है। हालांकि दोनों की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है, लेकिन दीपिका और रणवीर ने तारीखों के ऐलान की बात तो छोड़िए, अब तक शायद ही कभी खुलकर अपनी शादी की बात की ही हो। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर जितनी कामयाब नजर आती है, उससे कहीं ज्यादा असल जिंदगी में सुर्खियां बटोरती दिखाई देती है। शायद ही कोई मौका हो जब दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले न नजर आते हों। दोनों अपनी नजदीकियों को खुलेआम जाहिर करने से कभी नहीं हिचकते। इनकी हाइट देखो, इनके बाल, इनकी आंखें, इनके होंठ, इनका फिगर। फिगर पे मत जा, ट्रिगर तो दबाना। अब चर्चा है कि रणवीर और दीपिका दोनों ने अपने रिश्तों को शादी का नाम देने का फैसला कर लिया है। रणवीर के दीपिका के परिवार से मिलने की तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं और कहा जा रहा है कि दीपिका के पिता प्रकाश पादुकोण ने भी दोनों की शादी पर मुहर लगा दी है। लेकिन कहा जा रहा है कि दीपिका और रणवीर ने अपनी शादी के लिए इटली के लेक कोमो को चुना है, जहां दोनों परिवारों के अलावा कुछ करीबी दोस्त ही बुलाए जाएंगे। पहाड़ियों से घिरी झील और वादियों के बीच रणवीर और दीपिका ने साथ फेरे लेने का कार्यक्रम बनाया है। ऐसी भी खबरें हैं कि प्री वेडिंग सेरेमनी पहले ही हो चुकी है और अब शादी के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की गई है, जिसके बाद अब दोनों परिवार तैयारी में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि इटली में शादी के बाद रणवीर और दीपिका मुंबई में एक रिसेप्शन देंगे, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बुलाया जाएगा। काम और खाने पीने के बीच थोड़ा आराम जरूरी है और यही करने हुमा कुरैशी अरमानिया पहुंच गई हैं। अरमानिया की गलियों में घूम रही हुमा कुरैशी का एक वीडियो क्यों वायरल हो रहा है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अर्मेनिया की एक सड़क पर घूमती हुई हुमा कुरैशी के कदम उस वक्त थिरकने पर मजबूर हो गए जब उन्हें भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक पुरानी भारतीय फिल्म का संगीत सुनाई दिया। मस्ती में झूमती हुमा ने अभी डांस करना शुरू ही किया था कि अचानक एक महिला ने हुमा को म्यूजिशियन के साथ की डांसर समझकर सामने रखे बैग में कुछ सिक्के डाल दिए। इसके बाद मुस्कुराती हुई हुमा ने भी सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। दरअसल हुमा कुरैशी इन दिनों अर्मेनिया में छुट्टियां मना रही हैं और उन्होंने अर्मेनिया में अपने साथ हुए इस वाकये की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। हुमा के इस वीडियो को जमकर शेयर किया जा रहा है। हुमा के साथ उनके भाई और एक करीबी दोस्त भी अर्मेनिया में छुट्टियां मनाने गए हैं। तीनों खूब मस्ती कर रहे हैं और हुमा लगातार सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी तस्वीरें भी शेयर कर रही हैं। हाल ही में हुमा ने अर्मेनिया में ही अपना 32वां जन्मदिन मनाया और अब चर्चा है कि छुट्टियां मनाने के बाद हुमा जल्द ही मुंबई लौटकर वापस काम में जुट जाएंगी।